cause you take good care of me. You take good care of me. You know what I need before I even ask a thing. And you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried. Hello guys, welcome back to another episode of Zendegi Down Under Blogs. Day 3, good morning everyone. बस बड़ा मसा धक्के धुके मार के सबको तैयार कर रहा है जी. सुबह का टाइम हो रहा है जी यहाँ पे. एंड आज का अपना प्लान है वो सामने जरा पहाड़ दिख रहा है वो फतेह करने का. तो ये देख लीजिए तैयार होके आ गई हैं जी. सही लग रही है मैं? तो आज काली से चिट्टी टोपी कैसे हो गई है? अच्छा सफेद टोपी स्टाइल मारना था ना. अभी इतनी ठंड नहीं है पर मैंने वार्म वाली रख ली है ये री. ओके तो ये भी है और मफलर भी है अगर ठंड होगी तो पहनूंगी. हाय मोनिका, आप तो लाल भी ले आए आप काली टोपी भी ले आए, क्या चक्कर क्या? और ऊपर सिर पे बैंड भी डाल दिया. हां मैंने सोचा आज मैं दूरी पर. हम कब से चीखे मार रहे हैं, ये लगे हुए हैं पोज करके फोटो खिंचाने हैं. अब वहां पे ये खड़ेंगी, चार पाँच मिनट डिस्कशन करेंगी ये अच्छी आई है नहीं, जूम करके देखेंगे कि वाकई अच्छी आई कि नहीं. एंड देन द फेशियल एक्सप्रेशंस विल बी द लास्ट कंक्लूजन कि फोटो अच्छी आई है कि नहीं. अरे क्या हम चल सकते हैं? क्या हम चल सकते हैं? चल रहे हैं. Sparrows not worried about tomorrow, all the troubles to come. The lily's not thinking about the seasons, the drought or the flood. The tree that's planted. गाइस हम पहुंचे हैं लॉस्ट फ्राइट करके कोई कैफे है, माउंट वेलिंगटन के रास्ते में ही है. सो व्हेन माउंट वेलिंगटन गैलो की सिटी से, होबार्ट सिटी से कुछ 20 मिनट की ड्राइव पे है. एंड यू जस्ट ड्राइव अप द हिल. तो ये सुंदर सा कैफ़े देखिए आप. लड़कियों को यहीं पे भूख लगी थी कि कॉफ़ी की भूख लगी थी, एक्चुअली प्यास नहीं कह सकते. तो गरिमा ने बोला शी वॉन्ट्स कॉफ़ी सो दैट व्यू के साथ वो फोटो इसकी छा सके. एब्सोल्युटली मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. जोक्स अपार्ट, तेज पत्ती चैनल का नाम नहीं है, चैनल का नाम इज क्यूरियस ऑन कैफीन. सो एग्जैक्टली नो तेज पत्ती, नो तुम्हारी सहेली, मेरी सहेली, व्हाटएवर सहेली. और तेज पत्ती सिर्फ इन्हीं लोगों को अलाउड है बोलना. आपको शिमले की याद नहीं आ रही अपने कोटगढ़ की? पे ऐसे कोई कैफेज नहीं बने अगर ऐसे छोटे, या तो मैंने नहीं देखे, शायद अब बन गए हों. पर ये जो कैफे बनाए जंगलों के बीच में और क्यूट सा उसको डेकोरेट किया है फ्लावर्स लगा के, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. लोगों को सजेस्ट करोगे आने के लिए? हाईली रिकमेंडेड. देखिए टूरिस्ट के लिए काफी कुछ, यू गॉट लुकआउट सर्किट है एज वेल. तो यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं बैठ के खाना पीना खाने की. और ये विंटेज कह लो पुराने ज़माने का बाथरूम. एंड ओ बाबी के टेबल्स भी हैं यहाँ पे, सारी सुविधाएं हैं. तो या लुक्स लाइक प्रीटी अमेजिंग प्लेस. We have decided to do Silver Falls. ये वाला ट्रैक हम करेंगे और ये है 2.5 किलोमीटर और ये है 1 hour return. So ट्रैक पे जाएंगे हम और ये फॉल देखेंगे और ये फॉल देख के एक घंटे में वापस आएंगे इसी जगह पे. फॉल पे तो मैं आपको ले जाऊंगा बट अगर कल वर की नकात होगी ना मेरे साथ, मैं इतना बोलूंगा ना शाम तक, इतना बोलूंगा ना मैं सारे दे सिर दर्द कर देने. नहीं इस बार ये कल वर की नकात होगी ना हमारे साथ, फॉल देख लेंगे. फॉल मैंने चेक कर लिया है पिछले हफ्ते उस फॉल में. पिछले हफ्ते प्लस ट्रैकिंग इज अबाउट द वॉक. हां रास्ते में तो मिलेंगे तो मजा आएगा. 1 hour का है, 2.8 किलोमीटर है, आई थिंक रिटर्न 2.8 है बट मॉडरेट है सर. मतलब रास्ता ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये सिर्फ आकृति बेचारी हम जा नहीं पाए उसके लिए क्रेडल माउंटेन, तो एटलीस्ट यहाँ तो उसके लिए कुछ करें. द बेस्ट थिंग इज लाइक इट्स टोटली सेफ, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स हियर, तो नथिंग व्हिच विल ईट यू अलाइव. सो इट्स सेफ, इट्स प्रीटी सेफ. जस्ट स्नेक्स. He said, we've got snakes here. Huh? What's his name? Miro. Miro? Yeah. Miro, you've got beautiful eyes. Do you know that? Yeah, he does, doesn't he? And so the waterfalls would have been good then, but not now. Well, thank you so much for your suggestion. Actually, that was a day-saving suggestion, I would say. You're welcome. No yeah. worries. And this is easy enough to do. You can drive up to the chalet. Mm-hmm. And then from the chalet, it's relatively flat walking.
and breathtaking views along this track until you get to these giant cliffs. Amazing. Okay, and they'll be towering above you like like a giant big citadel. Yeah. Totally. Like a big castle. But it's very steep. Yeah. Like water isn't fazed by the fire. So why should I be? 'Cause you take good care of me. The Shallet karke लुकआउट है, कोई वॉक है, और ये हमारा दोस्त हमें मिला था जो इन्होंने हमें बताया कि गो फॉर दैट, दैट्स द बेस्ट हियर. एंड फाइनली हमें कुछ वाटरफॉल दिख गया, तो मैंने इधर सबको बोला कि यार क्या वाटरफॉल देखेंगे, यहीं देख लो, हाथ धो लो, फील ले लो पूरी. हाँ जी फोटोग्राफर साहब, फोटो खींची जा रही है. ओके तो गाइज ये हम क्रॉस कर रहे हैं, व्हाट अ व्यू. मेरे को लगा उल्लू बैठे हैं ऊपर, बट ये कुछ है. प्रोफेशनल ट्रैकिंग वाले नहीं है, बट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर मिल रही है जो घर से बाहर नहीं निकलते पैदल चलने के लिए. वापस आने में हमारी बात रही. हाँ सो गाइज दिस ट्रैक आई वुड से काफी अच्छा है, मतलब they professionally designed it, but this is all natural. But rasta proper saaf hai, it's not that high, aap nahi thak rahe ho, it's not that steep. Aur samne aap Hobart city ka view dekhiye yaar, amazing. Chashme utar ke dekhun ki waqai sach hai. Oh yes, it's looking amazing. So guys, ye hai Hobart city ka view from the top. I mean we can go even more further up, but I just stayed back here for like 5 minutes. Sometimes like you feel a bit overwhelming ki zindagi mein itni khoobsurat cheeze hain dekhne ke liye, and zindagi bahut badi hai, bahut choti bhi hai. But I mean this is something personal. When I see something really beautiful around me, I just sit back and relax and I think ve kya hua hai, ab aage kya karna hai. Got your own perspective to look at things, so this is how I look at it. Yeah, just sit back when I see something beautiful. Just sit back and relax and enjoy the nature. Hello, how are you? How are you going? Beautiful. And what about you? Good. Lovely day. It is, absolutely. Walk. Absolutely. Gorgeous. I don't think I need this anymore. You don't need sweaters as well, actually. Be careful. ये हमारे लोग चल रहे हैं, rock climbing कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हो कृति? Okay, so this is the rock climbing point. तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी होती है. तो बताया जा रहा है कि ये अंकल जो है अभी रॉक क्लाइंबिंग करके आए हैं. यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को देखोगे दे आर वेरी वेरी फिट, वेरी फिट, बिकॉज इनकी स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल में वॉक एंड ट्रैकिंग दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड. तो गाइस वी जस्ट डिड बिट ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करके हम इस पॉइंट तक आए हैं. एंड वी वर एडवाइज कि ऊपर यू गॉट केव्स ओवर देयर, बट लुक्स लाइक हमने कोई गलत एग्जिट ले लिया. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट माउंट वेलिंगटन. सो ये वही पहाड़ है जो हमारे घर से दिख रहा है. हाँ जी रिवांशी, व्हाट आर योर व्यूज ऊपर है क्या? बस दैट्स इट, बस इतना ही होगा, उससे ज्यादा सुंदर तो क्या होगा. हर एक बंदे के एक अलग ही व्यू पॉइंट है कि उनको ट्रैक करके कैसा लगा. तो चलो जी. हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे थकान नहीं हो रही, बट इतना रिफ्रेशिंग है और इतना हेल्दी फील, लाइक आई कैन फील हेल्दी फ्रॉम विद इन. और ऐसे लग रहा है कि आप जिंदगी में कभी गंदा डर्टी खाना नहीं खाना, सिर्फ हेल्दी खाना खाना है. मैंने सारी लाइफ सबवे का सैलेड खाना है विदाउट सॉल्ट एंड पेपर बाय द वे. देखिए 1.5 किलोमीटर चलने में इतना कुछ हो गया, तो पता नहीं रब जाने अगर गरिमा 5 किलोमीटर चल लेती तो गरिमा शायद सन्यासी भी बन जाती. मैंने ऊपर अपनी कुटिया बनानी थी, वहीं रहना था. कुटिया बना के जड़ी बूटी, छोटी सी कुटिया होती वहीं पे मैं सन्यासी बन जाती. और आपके लिए क्या है? आपके लिए तो पहले ये रोज का था कि नहीं? तो वैसे नहीं, ये व्यू मेरे लिए नया है, रास्ता मेरे लिए पुराना है, बस व्यू मेरे लिए नया है. गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा आपको तस्मानिया के बारे में. मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ की जो हवा है वो इतनी फ्रेश है, यहाँ से कंटेनर्स में हवा पैक करके दे एक्चुअली सेल इट, चाइना में बेची जाती है. सिडनी में एक ब्लू माउंटेंस करके जगह है, वहाँ से एंड तस्मानिया की जो हवा
वो बेची जाती है इन चाइना. The sun's not worried about the winter, 'cause soon it will pass. The light's not thinking about the darkness or the shadow it casts. A heart that's planning in forgiveness doesn't dwell in the past. So why should I be? Holy shit. Amazing. Absolutely amazing. And this is how it looks like when yahan pe barf padti hai. Amazing guys, it's worth coming jab yahan pe barf padi ho. And with this beautiful beautiful golden hour sunlight, it would look absolutely stunning. Now hum hain bilkul on the top. Okay, ab jo main aapko view dikhane wala hu, पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में इससे सुंदर व्यू नहीं देखा. लाइक आई बीन टू कपल ऑफ लुकआउट्स हियर इन मेलबर्न, बट ये हुबार्ट है एंड दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लुक एट दोज इंटेंस क्लाउड्स. देखिए आप, सो दैट्स द ओशन एंड ये है हुबार्ट. देखिए आप, सो दिस इज हाउ हुबार्ट इज बिल्ट अप. वो एक अलग सबर्ब होगा एंड दैट्स टूवर्ड्स द अदर साइड. और आप इधर देखिए. And look how dense this Hobart is looking. It's beautiful. I don't have any words to explain how beautiful this place is. Agar aap Tasmania aa rahe hain, and if you're coming to Hobart, please do not miss. And please do not miss. I would say ki humne jitni bhi abhi tracking kari, hum thak gaye the. And once we came here, just jaise humne ye view dekha, sari thakavat dur ho gayi. Ye jo hamara trip tha, इसमें हमने ऐसी ऐसी सुंदरता देखी है, ऐसी ऐसी सुंदरता. एंड दिस इज वन ऑफ देम. और ये मेरे को लगता है बेस्ट वन है. सो यस, आई कैन प्राउडली से ईस्ट और वेस्ट, दिस लुकआउट इज द बेस्ट. एक नंबर. सो गाइस, ये इट्स पार्ट ऑफ द म्यूजियम. अब देखिए माउंट वेलिंगटन अब कवर हो गया इंटायर क्लाउड्स में. एंड यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए. दे गॉट ट्रैम्पोलिन, लॉन टेनिस का है. दे वो कुछ महाभारत का रथ टाइप दिख रहा है वहाँ पे. दिस इज द एंट्री फॉर द म्यूजियम. इट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अंदर बढ़ते ही दे गॉट दिस बार हियर. सो गाइस, दिस लुक्स लाइक इंटरेस्टिंग. मतलब just have a look at it. Some words are flashing out in form of water. So guys, they've given us app, so the place is what we are passing to understand like what that place is. Aur puri theme bhi aise di hui hai ki aapko actual mein you feel that it's something horror happening here. समझ नहीं आया. मुझे तो समझ नहीं आया honestly. Because मुझे म्यूजियम, मैं तब बताऊंगी कैसे लगा जब मुझे समझ आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है. एग्जैक्टली, आई वांट टू नो हाउ इट मेक्स सेंस एंड व्हाई इट मेक्स सेंस. बिकॉज़ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन. नो बट दिस इज सपोज्ड टू बी मॉडर्न आर्ट. मॉडर्न आर्ट ये न्यू बैंक है ना. पावर बैंक भी था. हां हां, ऐसा हुआ कि लड़कियां अलग चल गई, हम दोनों अलग. एंड उस मीन्स मैं आपको बता नहीं सकता हूं अंदर क्या क्या था. मतलब बहुत खुश था. मतलब जो हम सपने में भी ओके, ड्रीम्स आर समथिंग विच वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग बिकॉज ड्रीम्स डज नॉट मेक लॉजिक. और जो अंदर था वो भी लॉजिक नहीं बना रहा था. बट आई एम श्योर लाइक मे बी हम इतने समझदार नहीं है दैट वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट. मीन्स आई वुड से आप गूगल सर्च करिए मोना म्यूजियम ऑफ. मोना ने सारा सोना लूट लिया. म्यूजियम ऑफ ओल्ड एंड न्यू आर्ट. मोना ने झोना लुट लिया. एंड देयर वाज अ सर्टेन सेक्शन व्हिच वाज ऑक्यूपाइड बाय हाउ पूप इज मेड इनसाइड द बॉडी. और जैसे ही आप उस सेक्शन में यू एंटर, वैसी स्मेल आने लग जाती है. सो इट वाज क्वाइट यूनिक. आधे क्लोजिंग नवा मिक्सचर.
रस के ऊपर गरिमा क्या लगा के? अरे ये सॉल्टेड बटर, बट सॉल्टेड बटर ही होना चाहिए। पता नहीं जी, मैं तो पहली बार ही सुना जी। प्लीज अमूल वाला हो सर। तो जी देखो, आप जब सुबह से कुछ नहीं खाते हो ना, तो शाम को आप किसी के घर जाते हो ना, तो ऐसे आप 10-15 चीजें खुलवा देते हो जी। पैन निकले आप आ जाइए। इन्होंने साड़ा बहुत ख्याल रखा जी, टस्मानिया आके, एंड मजा ही आ गया। दाल मखनी तो कह लो बस खत्म ही करता, एंड सब कुछ। हूँ आप मेलबर्न मिलेंगे जी। इन्होंने साढ़े लिए दाल मखनी बनाई, बहुत स्वाद जी। थैंक यू सो मच। हजे भी पई है ओ दाल मखनी वाले जी। सॉरी सॉरी सॉरी, इन्होंने साढ़े लिए चिकन बनाया जी, चिकन मैरिनेट कर। पेशेंस, क्योंकि इन्होंने उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करे, ता जाके सक्सेसफुल होया मिशन। यू मेड इट फील लाइक होम। असं बार बार आवेंगे, दोबारा आवेंगे, ठीक है जी। शाम अगली बार शाम की फ्लाइट पढ़ांगे, डिनर करके चलांगे अगे, ठीक है। मेरे लिए चिकन सेम प्लीज, थैंक यू। ऑलराइट जी, हम पहुंच चुके हैं, अपना नहीं पर किसी का है, होम स्वीट होम। एंड गाइस जस्ट चेक आउट दैट ब्यूटी, माउंट वेलिंगटन। आई एम श्योर कैमरा इज डूइंग द जस्टिस। कितना डेंस क्लाउड हैज कवर्ड दैट एंटायर टॉप ऑफ दैट हिल। It's looking amazing, and good thing is like we were lucky enough that in last 3 days we have seen 3 different types of views here. Okay, I hope आपको आज का vlog अच्छा लगा हो। I hope आपको ये Tasmania series पसंद आई हो, and really thank you so much for the support what you all been giving, and thank you to everyone who have recently subscribed to my channel, and thank you to those who have been part of this journey from day one. And I'll leave you with the beautiful time lapse of this amazing beauty what is just in front of us. Take care, milte hain, check out.